करने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। कश्मीर के कविराज परिवार को उम्मीद, हवेली और प्रॉपर्टी मिलेगी वापस। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद राजा हरि सिंह के दरबारी कवि के परिवार को उनकी बेशकीमती हवेली और प्रॉपर्टी वापस मिलने की उम्मीद जगी है। कश्मीरी पंडित कविराज का यह परिवार केंद्र सरकार के फैसले से काफी खुश है और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। परिवार के लोगों की माने तो 1982 तक लाल चौक स्थित हवेली और श्रीनगर में मौजूद जागीरदारी के हिस्से की राशि मिलती थी, लेकिन माहौल खराब होने के कारण कविराज परिवार से कोई सदस्य वहां नहीं गया और न ही वहां से कोई किराया उनको मिला। जागीर गांव की राशि जम्मू कश्मीर सरकार के खाते में जमा हो रही है, जो कि अब उन्हें मिलने की उम्मीद जगी है। मोदी सरकार का ये फैसला ऐसी थे, आज उस संपत्ति को हासिल करने के लिए मोदी सरकार से कामनाएं और बढ़ गई है, नहीं तो हम तो निराश थे बिल्कुल इस संपत्ति को लेकर। अब आशा तो पूरी हुई है और आने वाले समय में हम खुशहाल होंगे। कश्मीर के तत्कालीन महाराज हरि सिंह ने उन्हें कविराज की उपाधि देकर कश्मीर का कविराज बनाया था, लेकिन कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद कविराज मुरादा दान का परिवार बालोतरा शिफ्ट हो गया था। वहाँ के जो लोग थे वो भेदभाव नीति से चल रहे थे, धार्मिक भेदभाव बना हुआ, इसकी वजह से हमारे परिवार वाले आज से 60 साल पहले यहाँ आए। एक परिवार यहाँ रहा, एक सूत में रहा, एक गांव में रहा, तो दो तीन लड़के हैं मुरादा। धारा 370 और 35 से हटने के बाद कविराज परिवार इस कोशिश में जुट गया है उसे कश्मीर में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी जल्द से जल्द मिले, जिसकी उम्मीद ये परिवार छोड़ चुका था। भूपेश आचार्य, जी मीडिया।